हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस स्वेटर का नाप बताने जा रही हूँ कि इसका मैंने क्या मेजरमेंट रखा है, कितने फंदे लिए हैं, क्या घटाया था, क्या बढ़ाया था, उन सब फंदों को मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी। ये स्वेटर मैंने अपनी 4.5 साल की बिटिया के लिए बनाया है। ये लगभग स्वेटर जो है मैंने इस तरीके से इतना बड़ा मतलब बनाया है ताकि वो लगभग इसको 7-8 साल तक पहन सके। मतलब ये इसने अभी से पहनना वैसे शुरू कर दिया है और ये लगभग 7-8 साल तक पहनेगी। तो इस स्वेटर का मेजरमेंट मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये डिजाइन तो आप मेरे चैनल पे पहले ही देख चुके हैं। इस ट्यूटोरियल का कितना नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस स्वेटर के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है 1x1 रिब का, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए। इसके लिए मैंने फंदे लिए थे 80। 80 फंदे डाल के मैंने यहां से इसकी शुरुआत की है। 80 फंदे का ये बॉर्डर बनाया है। इस बॉर्डर की हाइट लगभग 1.25 इंच है। 1.25 इंच की हाइट का ये बॉर्डर है और एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए बनाया है मैंने। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहां पे दो प्लेन सिलाई बुनाई की है, सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी। दो सिलाई जो प्लेन बुनी है उसी में मैंने 5 फंदों को बढ़ा लिया है, यानी कि यहां मैंने टोटल 85 फंदे कर लिए हैं। 85 लूप्स इंक्रीज करके बना लिए हैं। 85 लूप्स करने के बाद मैंने अपना डिजाइन डाला है। ये डिजाइन मैंने बनाना कहाँ तक बनाया है मैं बता देती हूँ। इस आर्म तक इसकी कितनी लंबाई है मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है लगभग 15.5 इंच है, या 16 इंच कह लें। ये देखिए, यहां से 16 इंच है यहां तक, इस बाजू की कटिंग तक इसकी लगभग 16 इंच लंबाई है। 16 इंच बुनाई करने के बाद मैंने आर्म होल की कटिंग की है। आर्म होल कैसे आपको डिक्रीज करना है, इस पोर्शन को कैसे डिक्रीज करके बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। इतना बुनाई करने के बाद आर्म होल तक, फिर मैंने यहाँ पे 4-3-2-1 करके घटाया है। 4-3-2-1 यानी कि कितने हुए फंदे, टोटल 10 फंदे हुए। मैंने यहाँ 10 फंदों की कटिंग की है, इस साइड 10 और इस साइड भी 10। टोटल 20 फंदे मैंने यहाँ पे घटा लिए, तो टोटल बचते हैं हमारे पास 65। आप ऐसे अगर लिखते चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके स्वेटर बनाने में आपको सहूलियत रहेगी। तो मैंने यहाँ पे घटाकर 10-10 फंदे दोनों साइड 65 लूप्स इस बीच में रख लिए हैं। 65 लूप्स रखने के बाद मैंने फिर बुनाई आगे प्लेन की है, सीधा सीधा बुनती गई हूँ, अपनी डिजाइन को बनाती गई हूँ। और लगभग मैं आपको बता देती हूँ कितना इंच आपको लगभग बुनना होगा। वैसे तो बच्चे के ऊपर अगर इस पैनल को लगा के देख लें तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। लगभग 2 इंच तक मैंने घटाई करने के बाद 2 इंच तक बुनाई की है। आर्म होल की कटिंग के बाद 2 इंच बना लेंगे, सीधा सीधा अपने डिजाइन को बनाते जाएंगे। और उसके बाद गले की घटाई करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कैसे डिक्रीज करना है, पहले आप यहां पर हमारे पास कितने फंदे बचे हैं, 65। उन 65 फंदों में से यहां पर हम लगभग 28 या 27 लूप्स को बना लेंगे पहले। उसके बाद 10 फंदे यहां पे घटा देंगे। 10 फंदों को यहां घटाने के बाद फिर हमारे बचते हैं 27 या 28। अगर आप यहां पे 28 लेंगे तो यहां 27 बचेंगे। तो 28, 10 फंदे यहां घट गए, 27। ऐसे घटाई हो जाएगी 10 फंदे की। फिर उसके बाद जब उल्टी रो में आएंगे तो फिर आपको यहां पे 10 फंदे घटाने के बाद आपको कितने घटाने हैं, 3-2, 3-2, बीच में 10, 3-2, इस तरीके से फंदों को यहाँ पे घटा लेंगे। आपको याद रखना है जब यहाँ पे आप 10 फंदे घटा देंगे तो धागा दोनों शोल्डर के लिए अलग अलग आपको रखना पड़ेगा। मतलब एक धागा यहाँ के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा अपना ऊन, और एक इस तरफ के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 3-2 घटा लेंगे, 10, 3-2 यानी कितने हो गए टोटल फंदे, 20। 20 फंदे घट जाएंगे तो हमारे यहाँ पे शोल्डर पे एक तरफ यहाँ पे
22 फंदे रह जाएंगे और एक तरफ हमारे यहाँ पे 23 फंदे रहेंगे। इसमें इतना इशू नहीं है कि एक फंदा ज़्यादा क्यों है, 22 फंदे इधर 23 फंदे इधर रह जाएंगे और हमारा शोल्डर फिर उसका सीधा बुनते जाएंगे दोनों तरफ से और हमारा शोल्डर 22-23 फंदों का रह जाएगा। इसी तरीके से बैक पैनल को भी बनाना है। बैक पैनल के लिए भी मैंने सेम लूप्स लिए थे, 80 लूप्स लिए थे, बॉर्डर के बाद 85 कर लिया है। प्लेन मैंने बनाया है इसका बैक, बैक मैंने प्लेन बनाया है, सेम वही लेंथ रखी है आर्म होल तक, इस स्वेटर की लंबाई की सेम वही लेंथ रखी है और आर्म होल की जो कटिंग की है वो भी मैंने सेम इसी तरीके से की है, 4-3-2-1 कटिंग करने के बाद मैं सीधे सीधे बनाती गई हूँ अपने फ्रंट पैनल के नाप तक। मैंने यहाँ पे फिर 10 फंदे घटाए हैं लगभग 1.5 इंच पहले ही, 10 फंदे जैसे हमने फ्रंट में घटाया था वैसे ही घटाएंगे, 10 फंदे पहले घटाए फिर उसके बाद 3-3-2-2 टोटल 20 फंदे यहाँ पे भी कट जाएंगे और शोल्डर पे वही 22 और 23 फंदे रह जाएंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक पैनल बन जाएगा। फ्रंट बैक पैनल बन जाने के बाद मैंने ये बाजू बनाई थी। ये बाजू के लिए इस बाजू में मैंने सेंटर में डिजाइन डाला है, पूरी बाजू में डिजाइन नहीं डाला है। ये देखिए सेंटर में डिजाइन है सिर्फ, पूरी बाजू में नहीं है। इस बाजू के लिए स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 50 लूप्स लिए थे। 50 फंदे लेने के बाद मैंने बॉर्डर बनाया 1x1 सेम 1x1 एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए। इस बॉर्डर को मैंने सेम अपने फ्रंट पैनल के नाप के अनुसार यानी कि 1.25 इंच का बनाया है। उसके बाद मैंने बॉर्डर बनाने कंप्लीट करने के बाद 5 फंदे यहाँ पर भी बढ़ाए हैं, 55 लूप्स कर लिए हैं बॉर्डर के। और उसके बाद मैं हर 5वीं सिलाई में, पहले मैंने यहाँ 5 फंदे बढ़ा लिए टोटल 55 हो गए और उसके बाद हर 5वीं सिलाई में मैं फंदों को बढ़ाती गई हूँ। मतलब 5 सिलाई बुनी जो हमारी डिजाइन की है या जो भी है प्लेन है वो बुनती गई हूँ और उसके बाद दोनों साइड एक ही सिलाई में दोनों साइड इस साइड भी और राइट साइड भी दोनों तरफ साइड एक एक फंदा बढ़ाती गई हूँ। हर 5वीं सिलाई में मैं 2 फंदे बढ़ा रही हूँ और ऐसे बढ़ाते 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 मैंने टोटल 85 लूप्स यहाँ तक बढ़ा लिए थे। 85 लूप्स बढ़ने के बाद और मेरी स्लीव का नाप पूरा होने के बाद मैंने बच्चे को नाप के देखा कि स्लीव ठीक है कि नहीं, और अगर आपका 85 लूप्स हो चुका है और आपकी स्लीव अभी भी आपको बनानी है मतलब लेंथ कम पड़ रही है तो कोई बात नहीं, आप उसको सीधा बुनते जाइए, 85 लूप्स को लेके ही आगे तक बुनते जाइए। और मेजरमेंट पूरा होने के बाद मैंने कितना बनाया है स्लीव को मैं बता देती हूँ आपको, नाप को नाप के ये लगभग 17 इंच का है। मैंने बॉडी के लंबाई के अनुसार ही रखा है, मैंने बॉडी को ही नाप के रखा था एक्चुअली स्लीव का नाप। तो इतना करने के बाद मैंने बाजू को घटाया है। बाजू को घटाने के लिए मैंने यहाँ पे सेम वही फ्रंट पैनल की कटिंग को ध्यान में रखा, 4-3-2-1 करके इसको भी कटाया है दोनों साइड से, दोनों साइड से बाजू को कटाया है। और फिर उसके बाद मैं हर सिलाई में जैसे एक ही सिलाई में 2 फंदे बढ़ा रही थी वैसे मैंने यहाँ पे हर सिलाई में एक एक फंदा दोनों साइड घटाया है। और घटाते घटाते पहले 4-3-2-1 घटा लिया था, उसके बाद हर सिलाई में एक एक फंदा घटाती, दो दो फंदे घटाती गई और घटाते घटाते मैंने यहाँ पे लगभग 35 लूप्स रहने तक, जब यहाँ पे 35 लूप्स रह गया था यहाँ पे उसके बाद मैंने इसको बंद किया और तब तक मेरा स्लीव का लेंथ भी कंप्लीट हो गया था तो इसलिए मुझे बंद करना ही था। तो 35 लूप्स तक मैं घटाती आई, जब लास्ट में 35 लूप्स बचे तो मैंने इसको घटा दिया कंप्लीटली एक ही साथ। और फिर उसके बाद मैंने ये जॉइंट करने के बाद, साइड जॉइंट करने के बाद ये गला बनाया है। ये गले के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 110 लूप्स उठाए हैं, यहाँ पे पिक किए हैं, आप चाहे तो 100 उठाएं, मैंने 110 फंदे लिए हैं दोनों मिला के, दोनों साइड मतलब फ्रंट और बैक का मिला के। और 1x1 रिब का डबल बॉर्डर बनाया है। ये गला कैसे बनाना है राउंड नेक का वो तो आप मेरे चैनल पे देख ही चुके हैं, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कौन सा ट्यूटोरियल नंबर है वो,
और इस तरीके से मैंने इस स्वेटर को कंप्लीट किया है। अगर आपका कोई क्वेरी हो इस स्वेटर को लेके, इस नाप को लेके, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, मैं आपको डेफिनेटली उस चीज़ से सेटिस्फाई करूंगी अपने रिप्लाई से आपको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।